हेलो गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने पढ़ाई करते हुए हम लोगों ने देखा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस तरह से हम लोग के पास यूजफुल होते हैं, ठीक है। सो यूजफुल में हम लोगों ने देखा इन फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, हम लोगों ने देखा इन केस ऑफ हम लोगों ने मेकिंग मेडिसिन एंड वैक्सीन, हम लोगों ने देखा। आज हम लोग देखेंगे एग्रीकल्चर और क्लीनिंग में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं। ये सभी चीजें आज हम लोग को देखना है इन आवर क्लास, ठीक है। सबको मेरा स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ऑलराइट, ओके, सो लेट अस स्टार्ट, ठीक है। स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक, दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स किस तरह से हेल्पफुल है, उस टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए लेट अस स्टार्ट कि एग्रीकल्चर और एनवायरमेंट क्लीनिंग में किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो हेल्पफुल होते हैं, वो हम लोग आज पढ़ेंगे। सो इन एग्रीकल्चर फील्ड हम लोगों को पहले से पता है कि देयर इज ए बैक्टीरिया व्हिच इज कॉल्ड एज राइजोबियम बैक्टीरिया, राइट। राइजोबियम बैक्टीरिया जो क्या बनाते हैं, जो रूट नोड्यूल्स बनाते हैं प्लांट्स, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ पे देखा डिजायर रूट नोड्यूल्स, ये सभी जो है यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा। सो डिजायर डी रूट नोड्यूल्स, ठीक है। ये सभी क्या है, डिजायर रूट नोड्यूल्स, यू कैन सी हियर डिजायर डी रूट नोड्यूल्स, ठीक है। सो ये रूट नोड्यूल्स में क्या होता है, राइजोबियम देयर लिव इन दिस रूट नोड्यूल्स, ठीक है, बैक्टीरिया जो है। और एक बैक्टीरिया हम लोग के पास यहाँ पे दिख रहा है, दिस इज नेम इज ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसको जिसका और एक नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज सियानो बैक्टीरिया, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज सियानो बैक्टीरिया। एग्जाम्पल है जैसे नॉस्टॉक इज एन एग्जाम्पल, ठीक है। सो ये क्या होते हैं, दिस दे लिव इन दिस दिस नोड्यूल्स, ठीक है, वो इस नोड्यूल्स में रहते हैं। और नोड्यूल्स में रह के वो लोग क्या कर रहे हैं, दे फिक्स द नाइट्रोजन, वो नाइट्रोजन को फिक्स कर रहे हैं, एटमोस्फेरिक जो नाइट्रोजन होते हैं, दे फिक्स दिस एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू द सॉइल, सो दैट प्लांट्स जो है इसको यूज कर सकते, ठीक है। प्लांट्स इसको क्या करेंगे, फिर यूज करेंगे। सो बैक्टीरिया, दिस बैक्टीरिया एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन, बैक्टीरिया जो है वो एब्जॉर्ब्स नाइट्रोजन ऑफ द एटमोस्फेयर, ठीक है। बैक्टीरिया जो है यहाँ से एटमोस्फेयर से नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं, कन्वर्ट इट इनटू नाइट्रेट, ठीक है, वो नाइट्रेट में इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे NO3 इस तरह से वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। एंड इट सर्व्स एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर फॉर द प्लांट्स, प्लांट्स के लिए वो एज अ नेचुरल फर्टिलाइजर का काम करते हैं, right? फर्टिलाइजर्स, क्योंकि प्लांट्स को भी तो नाइट्रोजन चाहिए होता है, राइट। प्लांट्स ऑल्सो नीड नाइट्रोजन, हम लोगों ने पहले भी बात किया था कि प्रोटीन्स बनाने में, बहुत सारे हॉर्मोन्स बनाने के केस में नाइट्रोजन काम में आता है, सो दे नीड दिस नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन भी उनके लिए न्यूट्रिएंट है, उनको चाहिए होता है। NPK हम लोगों ने पहले भी बात कर चुके थे, राइट, एग्रीकल्चर जब चैप्टर हम लोग पढ़े थे, NPK, नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड पोटासियम, ठीक है। तो ये सभी जो है वो इसमें चाहिए होता है, कि नाइट्रोजन चाहिए हम इन केस ऑफ प्लांट्स को चाहिए। प्लांट प्रोडक्ट हम लोग खाते हैं, देन वी गेट दोस नाइट्रोजन, हम लोग को वो नाइट्रोजन फिर मिल जाता है, ठीक है। सो अभी के टाइम पे कहने का मतलब मेरा ये है कि ये जो नाइट्रोजन है वो प्लांट जो है डायरेक्टली तो एटमोस्फेयर से नहीं यूज कर सकते, डायरेक्टली एटमोस्फेयर से नहीं ले सकते, ठीक है। सो ये जो प्लांट है, दे टेक द नाइट्रोजन फ्रॉम द सॉइल, सॉइल से वो लोग एब्जॉर्ब करते हैं। सॉइल से एब्जॉर्ब करने के लिए आइदर हम लोग को फर्टिलाइजर प्रोवाइड करने होंगे, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, फर्टिलाइजर प्रोवाइड करते हैं इसको सॉइल में प्लांट्स को, राइट। जैसे यूरिया जो है रिच इन, यूरिया क्या है, यूरिया इज रिच इन नाइट्रोजन, ठीक है। तो आइडर हम लोग यूरिया प्रोवाइड करेंगे तो वहां से नाइट्रोजन उसको मिल जाएगा, ठीक है, किसको, प्लांट्स को। और क्या होते हैं, ये जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम या फिर सियानो बैक्टीरिया, ब्लूबेरी एल्गी लाइक नॉस्टॉक, सो ये लोग क्या होते हैं, दे लिव इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ दिस प्लांट्स, ठीक है। कुछ कुछ प्लांट्स के रूट नोड्यूल्स में रहते हैं एंड दे फिक्स दिस नाइट्रोजन फॉर दोस प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स के लिए वो नाइट्रोजन फिक्स करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख रहे थे जो पल्सेस होते हैं, जैसे ग्राम या फिर पीज मटर के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, तो ये सभी में क्या होता है, दाल या फिर मटर के जो प्लांट्स होते हैं वहां पे ये रूट नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं एंड दे फिक्स, और उसमें क्या होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, फिर ब्लू ग्रीन एल्गी लाइक नॉस्टॉक होते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन एंड इन रिटर्न प्लांट एब्जॉर्ब दोस नाइट्रोजन, प्लांट एब्जॉर्ब दोस नाइट्रोजन फ्रॉम the soil, so that plants क्या कर सके, plants उसको use कर सके, ठीक है, plants उसको क्या कर सके, use कर सके, so they get this nitrogen so that plants उसको use कर सके। बात समझ में आ रहा है? So in agricultural field microorganisms क्या कर रहे हैं, microorganisms helps in nitrogen fixation, microorganism helps in nitrogen fixation and then वो क्या हो रहा है, they are used by the plants, plants उसको क्या कर रहे हैं, use कर रहे हैं, ठीक है। So
दिस इज इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के फील्ड में इस तरह से वो मदद करते हैं। उसके अलावा भी हम लोग देखें क्लीनिंग एनवायरमेंट में भी हम लोग देखें कुछ बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो डिकम्पोजिशन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जो मर जाते हैं ऑर्गेनिजम्स, राइट, डेड ऑर्गेनिजम्स को वो क्या कहते हैं, डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज करने के बाद क्या होता है, इट कैन बी यूज बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, ठीक है। तो डिकम्पोज करने के बाद जो यूजफुल मटेरियल्स होते हैं वो उसको यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग, सपोज यहाँ पे क्या हुआ, सॉइल से उसने नाइट्रोजन लिया किसी प्लांट में, ठीक है, एक प्लांट ने उसको नाइट्रोजन को, नाइट्रोजन इज एब्सॉर्ब बाय द प्लांट। अभी ये जो प्लांट होंगे, दिस प्लांट, इस प्लांट का कोई पार्ट या फिर ये प्लांट जो है मर गया सपोज, ठीक है, सो दिस प्लांट का कोई पार्ट हो गया, जैसे फॉर एग्जाम्पल लीव्स, राइट, लीव्स एंड ऑल, सो दे डाइड, ठीक है। या फिर हम लोग जो किचन वेस्ट होते हैं वहां पे भी प्लांट प्रोडक्ट होते हैं, राइट, सो वो सबको क्या कहते हैं, दिस लीव्स को, इसको डिकम्पोज करेंगे, so these microorganisms will decompose. Decompose होने के बाद क्या होंगे, decompose होने के बाद यहाँ पे जो useful chemical substances है, जैसे for example nitrogen इसमें होंगे present, ठीक है, ये जो nitrogen वापस से क्या होंगे, soil के साथ mix होंगे, and then from the soil, soil से वापस नए जो plants होते हैं, these plants can absorb this, ठीक है, तो इस तरह का भी काम होता है, ठीक है, वे भी हम लोग देखेंगे इन केस ऑफ, जहां पे हम लोग क्लीनिंग एनवायरनमेंट के केस में हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला चीज हम लोग यहाँ पे क्या देखे कि भाई इन एग्रीकल्चर फील्ड नाइट्रो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्टली हेल्प कैसे कर रहे हैं, जैसे कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो डायरेक्टली हेल्प कर रहे हैं इनकेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन के केस में, हेल्प कर रहे, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वो क्या कर रहे हैं, बाई नाइट्रोजन फिक्सेशन वो क्या कर रहे हैं, बाय नाइट्रोजन फिक्सेशन दे प्रोवाइड नाइट्रोजन टू द प्लांट्स, प्लांट्स को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, राइट, बाय नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, सो दैट वो, और वो किसके तरह काम कर रहा है, दे एक्ट एज ए फर्टिलाइजर, वो फर्टिलाइजर का काम कर रहा है। अगर ये नहीं होते, अगर ये राइजोबियम बैक्टीरिया नहीं होते, अगर ये रूट नेटवर्क्स में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है, तब क्या होता, तब हम लोग को आर्टिफिशियली ही नाइट्रोजन प्रोवाइड करना होता इन द फॉर्म ऑफ फर्टिलाइजर, जैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करके, यूरिया प्रोवाइड करके, यूरिया डाल के जैसे हम लोग प्रोवाइड करते हैं नाइट्रोजन, उसी तरह से हम लोग को नाइट्रोजन प्रोवाइड करने होते, ठीक है। सो एग्रीकल्चरल फील्ड में हम लोग अगर देखेंगे, इन एग्रीकल्चरल फील्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, इन एग्रीकल्चरल फील्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्प प्लांट्स बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन, नाइट्रोजन फिक्सेशन करके वो हेल्प करते हैं नाइट्रोजन दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूजफुल इन द एग्रीकल्चर फील्ड, बिकॉज व्हाई, बिकॉज दे हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, एंड दिस नाइट्रोजन कैन बी यूज बाय द प्लांट्स एज ए फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर के फॉर्म में वो यूज करते हैं, ठीक है। चलो इसको भी नोट डाउन कर लो सब लोग, इन द एग्रीकल्चर फील्ड क्विकली, रुपेश, अदिति, ऋषभ, शिवम, सचिन हम लोग के बीच में एबसेंट है आज, ठीक है, आई थिंक यू विल ऑल्सो ज्वाइन, एनीवेज you people can note down quickly. All right, Rishabh ka already done. Agar ho jane se, you can give me one thumbs up so that mujhe pata chale ki aap log ka ho gaya hai.
सबका हो गया है लगभग. सो लेट मी गो टू द अदर स्लाइड नाउ सो दैट हम लोग देखेंगे अभी क्लीनिंग एनवायरनमेंट किस तरह से क्लीनिंग एनवायरनमेंट हाउ दे हेल्प इन द क्लीनिंग एनवायरनमेंट राइट. सो एनवायरनमेंट क्लीनिंग के केस में अगर हम लोग देखें कि द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज द डेड ऑर्गेनिक वेस्ट. डेड ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स के, उसको भी वो क्या कहते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं. जैसे हम लोग देखते हैं इन केस ऑफ यहाँ पे क्या है, दिस इज ये हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या है, दिस आर ऑर्गेनिक मेन्यूर्स प्रिपेयर करें. कैन सी है वो यहाँ पे आपको यहाँ पे छिलका दिख रहा होगा केले का, दिस इज राइट डिकम्पोज पीट में हम लोग जो डालते हैं, है ना. Alright, so यहाँ पे हम लोग बहुत सारे यहाँ पे किचन वेस्ट हम लोग को दिख रहे हैं. सो ये जो है डिकम्पोज होके क्या बन जाता है, इट बिकम्स मेन्योर. वो डिकम्पोज होके क्या बन जाता है, मेन्योर बन जाता है, हम लोगों ने बात किया था राइट. डिकम्पोज होके वो क्या बन जाता है, मेन्योर्स बन जाते हैं. उसके बाद हम लोगों ने ऐसे भी देखे होंगे राइट, ऐसे भी जो मर जाते हैं ऑर्गेनिज्म राइट, उसके हड्डियां हम लोग को देखने को मिलता है ठीक है, क्योंकि उसके पूरे जो पूरा जो है पूरा जो उसके पास जो भी लाइक मसल्स वगैरह जो भी रहता है वो सबको डिकम्पोज कर दिया जाता है. सो दीज आर ऑल्सो डन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड दे कन्वर्ट देम इंटू सिंपल सब्सटेंसेस. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर जैसे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बनाना का जो कवर है राइट, बनाना का जो छिलका है वो क्या कहते हैं, वो उसमें क्या हो रहा है, उसको डिकम्पोज करने के बाद दे कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस लाइक नाइट्रोजन, अगर उसमें है नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देंगे उसको राइट. सो ऑल दिस सिंपल सब्सटेंसेस कैन बी एब्जॉर्ब नाउ एब्जॉर्ब बाय द अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेंगे. हम लोग उसको एज ए मेन्यूर हम लोग डालते हैं प्लांट के पास राइट. प्लांट को हम लोग प्रोवाइड करते हैं एज ए मेन्योर. ये डिकम्पोज पीछे जो भी मेन्योर बनता है हम लोग उसको प्लांट को प्रोवाइड करते हैं राइट. सो प्लांट कैन यूज दिस फॉर न्यूट्रिएंट्स. प्लांट को यहाँ से क्या मिलता है, न्यूट्रिएंट्स मिलता है ठीक है. सो दे हेल्प दिस ठीक है. माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो डिकम्पोज करते हैं डेड एंड डिकेइंग और डेड ऑर्गेनिक वेस्ट को, जो प्लांट और एनिमल से जो ऑर्गेनिक वेस्ट बनता है उसको क्या कर रहे हैं, उसको वो बेसिकली कन्वर्ट कर देते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस. दे कन्वर्टेड इनटू सिंपल सब्सटेंसेस ठीक है. दिस सब्सटेंसेस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स. ये जो सब्सटेंसेस होते हैं इसको क्या होते हैं, दूसरे प्लांट्स या फिर एनिमल्स, कुछ कुछ बहुत सारे एनिमल्स भी उसको क्या कहते हैं, यूज कर सकते हैं. सो इट कैन बी यूज बाय प्लांट्स एंड एनिमल्स, डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड इनडायरेक्टली बाय द एनिमल्स. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग मेन्योर्स डालेंगे, वो मेन्योर से प्लांट्स ग्रो होंगे, उस प्लांट प्रोडक्ट को हम लोग खाएंगे, फिर प्लांट में जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो हम लोग के बॉडी को भी मिलेगा राइट. सो दे कैन बी यूज्ड अगेन बाय अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स ठीक है. दूसरे प्लांट्स हम लोग अदर प्लांट्स एंड एनिमल्स भी उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं. Thus, microorganisms can be used to degrade the harmful and smelly substances. ठीक है, harmful और smelly substances को वो क्या कहते हैं, degrade कर देता है, वो उसको break down करता है. Degrade मतलब क्या है, break down कर देता है, convert कर देता है into simple substances and thereby clean up the environment. वो environment को clean कर देता है. जैसे कोई एक ऑर्गेनिज्म मर गया है, सपोज यहाँ पे हम लोग हड्डियां देख रहे हैं, कोई एक स्केलेटन जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, कोई एक ऑर्गेनिज्म मर गया, मरने के बाद वो क्या तो बहुत ज्यादा स्मेल देता है, बट दैट स्मेल लास्ट फॉर कितना टाइम का रहता है, पूरा साल भर थोड़े रहता है, नहीं रहता है राइट. साल भर तो वो नहीं रहता है, वो क्या होता है, कुछ दिन के बाद वो स्मेल धीरे धीरे करके अपने से ही गायब हो जाता है. इट इज बिकॉज क्यों ऐसा होता है, इट इज बिकॉज ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगस हो गए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में राइट. सो फंगस वगैरह क्या करते हैं, वो उसको धीरे धीरे करके डिकम्पोज करने लगते हैं, और डिकम्पोज होते 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 एक दिन में एक दिन ऐसा होता है कि वो क्या होते हैं, वो वहां से गायब हो जाता है. एंड दिस हेल्प्स इन द क्लीनिंग है, thereby it clean up the environment. It helps in the clean up the environment. वो environment को क्या कर देता है, clean कर देता है, right? So this is how microorganisms clean environment too. ठीक है? Plus यहाँ से क्या होता है, plant को भी फायदा होता है. Agricultural field में भी ये फायदा हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि वो जो decompose feed में जो manure बन रहा है, वो हम लोग agricultural field में provide कर सकते हैं. ठीक है, वो हम लोग प्लांट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं. सो इट ऑल्सो हेल्प्स इन एग्रीकल्चर फील्ड. ठीक है, सो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, दो चीजें हम लोग एग्रीकल्चर फील्ड में दो तरह से उसको सपोर्ट कर सकते हैं. वो हम लोगों ने देखा, एक चीज है कि नाइट्रोजन कन्वर्ट करके, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू नाइट्रोजन को वो एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन को वो कन्वर्ट कर देता है, सॉइल में फिक्स कर देता है. फिक्स करने के बाद इट कैन बी यूज बाय द प्लांट.
प्लान से प्लान उसको यूज कर लेते हैं। दूसरा वो क्या कर सकते हैं, दूसरा जो हम लोग देखते हैं कि मेन्यूर्स बनाने के केस में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो डिकम्पोज कर देता है जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं प्लांट्स और एनिमल्स, तो उसको वो डिकम्पोज करते हैं। डिकम्पोज करने के बाद कन्वर्ट देम इनटू सिंपल सब्सटेंसेस लाइक मेन्यूर्स, ठीक है, और वो मेन्यूर्स को हम लोग यूज करते हैं इन एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर जो प्लांट्स होते हैं वहां पे यूज करते हैं। यूज करने के बाद हम लोग वहां से वो प्लांट का प्रोडक्ट बैठा है बिकॉज इट इंक्रीजेस द फर्टिलिटी ऑफ Soil के fertility को वो बढ़ाता है, right? So इस तरह से वो क्या कहता है, decompose करके भी dead organic waste को decompose करके भी agricultural field में help करता है, plus nitrogen fixation करके भी agricultural field में help कर सकता है, ठीक है? Environment cleaning के केस में क्या होता है कि ये जो dead waste product होते हैं, dead waste product plant और animals के होते हैं, वो बहुत smelly होते हैं, it can also cause वो harmful भी हो सकते हैं। harmful कैसे होंगे, because वहाँ पे बहुत सारे और भी बहुत सारे दूसरे organisms भी होंगे, कुछ harmful bacteria virus भी होंगे वहाँ पे, right? So ये जो decompose करने के बाद क्या होता है, decompose करने के बाद वो soil के साथ mix हो जाता है and then वो smelly जो substance है, smell वहाँ से गायब हो जाता है, right? So इसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, वो हेल्प कर सकता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन क्लीनिंग द एनवायरमेंट टू। एनवायरमेंट क्लीनिंग के केस में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हेल्पफुल होते हैं, ठीक है? So इसको भी हम लोग नोट डाउन कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स के बारे में भी हम लोग को अभी देखना है, ठीक है? चलो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं फटाक से। एंड नोट डाउन करने के बाद आप लोगों को तो पता ही है क्या करना है, यू नीड टू गिव मी वन थम्स अप। All right. रुपेश नहीं, रुपेश आज नहीं होगा। Okay, Rishabh का already done. Very good, Rishabh. रुपेश का हो गया है थम्स अप, ऑल राइट, वेरी गुड। अदिति का भी हो गया है, ऑल राइट, ग्रेट। ग्रेट। शिवम का हो गया, ऑल राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, आगे अबाउट द हार्मफुल बैक्टीरिया, ठीक है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल होते हैं जस्ट बिकॉज दे कॉज व्हाट, वो क्या कॉज कर सकते हैं, दे कैन कॉज डिजीजेस, दे कॉज डिजीजेस। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है दे कॉज डिजीजेस, राइट? सो इसलिए बोलो क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं। So, ऐसे microorganisms that can cause disease in human beings में, या फिर plants में पढ़ेंगे, या फिर animals में disease cause कर सकते हैं, ऐसे microorganisms को हम लोग बोलते हैं क्या, we call them as pathogens। उसको क्या बोला जाता है, pathogens बोला जाता है। So, the microorganisms that can cause diseases into the plants, या फिर animals, या फिर human beings के केस में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, pathogens बोलेंगे। उसको क्या बोलेंगे, pathogens बोलेंगे। So, pathogens के कुछ examples लिखो तो quickly, ये common examples जो अभी के time पे बहुत चल रहा है, write down one example of pathogen quickly in the chat box, अभी के time पे जो चल रहा है, सबको हम लोग को पता है, लिखिए जल्दी से क्या है वो, एक pathogen का एक example लिखिए quickly। Yes, Shivam, very good. और भी लिखो जल्दी से, क्या है एक pathogen का example लिखो। Pathogen क्या है, वो एक ऐसा microorganism है that can cause disease.
बीमार बीमार कर सकता है हम लोगों को, पैथोजेन जो हम लोग को बीमार कर, वेरी गुड रुपेश, वेरी नाइस. सो ऐसा पैथोजेन जो, वेरी गुड, जो पैथोजेन जो हम लोग को डिजीज कॉज कर सकता है, ऐसा एक पैथोजेन का नाम लिखो जल्दी से. शिवम का आ गया है, रुपेश का आ गया है, बाकी भी लिखो जल्दी से. यस अदिति, वेरी गुड अदिति, ग्रेट. ठीक है, सो हम लोग एक नाम डाल सकते कि हम लोग के पास अभी हम लोग के बीच में जो है कोरोना वायरस. सो दिस वायरस आल्सो कॉज डिजीज. सो ये भी क्या है, दिस इज आल्सो ए पैथोजेन, ये भी एक क्या है, पैथोजेन है. ठीक है, उस तरह से बाकी जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो भी हम लोग क्या बोलेंगे, उसको पैथोजेन बोलेंगे. ठीक है, कि भाई पैथोजेन क्या है, वो एक ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हम लोग को डिजीज कॉज कर सकता है, जो हम लोग के अंदर आएगा तो इट कैन कॉज अस इन्फेक्शन, वो इन्फेक्शन कॉज कर सकता है. एंड देन हम लोग क्या होंगे, इट कैन कॉज डिजीज इन टू अस, राइट, वो डिजीज कॉज कर सकता है. सो इसको हम लोग बोलते हैं पैथोजन. सो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज पैथोजेंस. दोस द ऑर्गेनिजम्स, द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दैट कैन कॉल डिजीज, दैट कैन कॉज डिजीजेस आर कॉल्ड एज पैथोजेंस. उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलेंगे. ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पैथोजेंस बोलेंगे. सो सम माइक्रो, उसके अलावा भी ये जो डिजीज कॉजिंग करने वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अलावा भी कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दोज कैन स्पॉइल फूड, दोज कैन क्लॉथिंग, या फिर लेदर जो होता है वो फूड को या फिर क्लॉथिंग को, हम लोग के क्लोथ जो होता है या फिर लेदर को, उसको भी कुछ कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है स्पॉइल कर सकता है. मतलब डिजीज कॉजिंग के अलावा भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और क्या कर सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हम लोग के लिए हार्मफुल होता है, इट इज बिकॉज बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पॉइल फूड, मतलब खाना खराब कर सकता है. हम लोग देखते हैं कि हम लोग खाना रख देते हैं रात का खाना, और सुबह तक वहां से एक स्मेल आने लगता है, गंध आने लगता है, राइट. सो दैट इज बिकॉज वो फूड स्पॉइल हो जाता है, फूड खराब हो जाता है. नॉर्मली ऐसे ही रखेंगे तो, फ्रीजर के अंदर रखेंगे तो वो ठीक रहता है, ठीक है, क्योंकि वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर पाते हैं. सो ये फूड जो खराब हो जाता है, इट इज बिकॉज ऑफ, वो भी हम लोग पढ़ेंगे, फूड प्रिजर्वेशन कैसे करना चाहिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट में, वो भी हम लोग देखेंगे. ठीक है, सो ये जो फूड खराब हो जाता है, क्लोथ जो है खराब हो जाता है, इट इज बिकॉज क्यों, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से ये होता है. ठीक है, सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट ओनली कॉज डिजीज, वो सिर्फ डिजीज ही नहीं कॉज कर सकता है, बल्कि वो क्या कर सकता है, बल्कि वो फूड को, क्लोथ को भी वो स्पॉइल कर सकता है, फूड और क्लोथ उसको भी स्पॉइल कर सकता है. नोट डाउन इज, इसको भी नोट डाउन कर लो, और नोट डाउन करने के बाद यू कैन गिव मी वन थम्स अप सो दैट मुझे पता चले. चलो डन, इट इज डन, ऑल राइट, मेरे पास आ गया शिवम, इट इज डन, अदिति के भी डन, ओके, ऑल राइट, ऋषभ के भी हो गया, ओके, चलो आगे बढ़ेंगे. तो वी हैव माइक्रोबियल जो डिजीज होता है, जो माइक्रोबियल डिजीज होता है, मतलब ऐसे डिजीज जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है. ठीक है, जो माइक्रोबियल डिजीज होता है, मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से होता है, दिस डिजीज कैन स्प्रेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन. वो क्या होता है, वो इन्फेक्टेड पर्सन टू ए हेल्थी पर्सन कॉज हो सकता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू वो क्या होता है, फैल सकता है. और ऐसे डिजीजेस को हम लोग क्या बोलेंगे, कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे. जैसे अभी के टाइम पे हम लोग के पास जो डिजीज है, दैट इज कोविड 19, वो कम्युनिकेबल है कि नहीं है, राइट डाउन इन द चैट बॉक्स, इज इट कम्युनिकेबल और नॉट, कम्युनिकेबल है कि नहीं है कोविड 19 जो है, वो कम्युनिकेबल है कि नहीं. यस, सबका आंसर यस यस यस, ऑलराइट, यस, बिकॉज वो फैलता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. मुझे अगर कोविड हो जाता है तो मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सबको कोविड हो जाएगा, राइट, मेरे से चला जाता है ना. इट कैन, वो क्या होते हैं, सो सम ऑफ द डिजीजेस, कोविड 19 के केस में क्या होता है कि फिजिकल कॉन्टेक्ट या फिर मेरे बॉडी के कोई भी ड्रॉपलेट हो, ठीक है, वो उसको, उसके साथ कॉन्टेक्ट में आया, देन इट कैन कॉज कोविड 19 टू डेथ हेल्थी पर्सन टू. सो यहाँ पे अगर देखेंगे कि माइक्रोबियल जो डिजीजेस होता है वो क्या होता है, आइडर एयर के
एयर के थ्रू वो फैल सकता है, या फिर वाटर के थ्रू वो फैल सकता है, या फिर फूड के थ्रू वो फैल सकता है, या फिर फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू वो फैल सकता है. सो बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होते हैं जो फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू ही फैलता है. ठीक है, इट कैन कॉज, वो फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलेगा. ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिजीजेस होता है, बहुत सारे ऐसे माइक्रोबियल डिजीजेस होता है जो क्या होता है, वाटर के थ्रू फैलता है. बहुत सारे ऐसे होते हैं जो फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलेगा. ठीक है, जैसे HIV AIDS वगैरह हो गए तो फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू फैलेगा, फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. राइट, सेक्सुअल कॉन्टेक्ट के थ्रू भी फैलता है कुछ कुछ डिजीजेस. राइट, सो ऐसे जो डिजीज होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलेंगे. These diseases are called communicable diseases, so one person to another person फैलेगा. लेकिन suppose मेरे घर में किसी को high blood pressure है, जिसको हम लोग BP बोलते हैं, high BP, या फिर किसी को cancer है, तो क्या वो फैलता है from one person to another person? क्या वो communicable disease है? बताओ in the chat box quickly. क्या वो फैल जाता है एक person से दूसरे person में? क्या वो फैल जाएगा? वायरल फीवर होने से वो फैल जाता है ना, या हाई बीपी, या फिर हम लोग बोल देते हैं कि सुगर जो ये सब कॉमन डिजीजेस है, क्या वो फैलता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन? नहीं. राइट, सो ऐसे डिजीजेस जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक नहीं फैलता है ना. डायबिटीज, सुगर, मतलब दिस डायबिटीज, ठीक है, वो नहीं फैलेगा फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. लेकिन जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगर फैलाया हुआ डिजीज होता है तो वो फैल जाता फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन. ठीक है, सो ऐसे डिजीजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, वी कॉल देम एज कम्युनिकेबल डिजीज. वी कॉल देम एज कम्युनिकेबल डिजीज. क्या बोलते हैं उसको? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, जो फैलता है. और जो नहीं फैलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिंपली वी विल कॉल देम एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. सो दीज डिजीजेस आर नॉट कम्युनिकेबल, सो दे आर कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. ऐसे डिजीजेस हम लोग जितना भी उनको देखभाल करें, जितना भी उनके पास रहे, बीपी के पेशेंट्स के जितना भी पास रहे, जितना भी उनके देखभाल करें, हम लोगों को बीपी नहीं फैलेगा हम लोगों में. राइट, सो दे आर कॉल्ड एज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज. बट द डिजीजेस दैट आर कम्युनिकेबल, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम, दैट कैन स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीज. ऐसे को हम लोग क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. और जो नहीं फैलेगा उसको हम लोग बोलते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. सम एग्जाम्पल्स ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इंक्लूड कॉलेरा, कॉमन कोल्ड मतलब वायरल फीवर, ठीक है, चिकन पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस मतलब टीबी, ठीक है. सो ये सभी डिजीज, उसके बाद हम लोग यहाँ पे और ऐड कर सकते हैं जो कि कॉमन है, दैट इज COVID-19. सो दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज. ये सभी जो डिजीजेस है दीज आर कम्युनिकेबल डिजीज, मतलब यहाँ पे क्या होते हैं, फ्रॉम वन पर्सन, एक बीमार पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सन को भी वो फैल सकता है, बिकॉज दे आर कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, सो ये जो क्या होता है कि सपोज मुझे COVID-19 है, तो मुझे पसीना आ रहा है, या फिर मेरे जो सलाइवा है, ठीक है, वो सलाइवा में क्या प्रेजेंट है, वो सलाइवा में प्रेजेंट हो जाएगा अभी COVID-19 वहां पे होगा. ठीक है, सो मैंने यहाँ पे टच किया, मैंने किसी टेबल पे टच किया, मैंने अपना मोबाइल टच किया, फिर मेरा मोबाइल सपोज सुनील सर टच किए, ठीक है, सो सुनील सर को भी वो कोविड जो कोरोना वायरस है सुनील सर के पास भी पहुंच जाएगा. ठीक है, सुनील सर से फिर वो विकास सर के पास पहुंच जाएगा. सो इस तरह से वो क्या था, विकास सर से फिर वो बच्चों में फैल जाएगा. सो इस तरह से क्या होता है, वो डिजीज फैल सकता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम वो जो है फैल सकता है. इट कैन कॉज इन्फेक्शन इन अस, वो हम लोग को क्या कर सकता है, इन्फेक्टेड कर सकता है, हम लोगों में भी COVID-19 डिजीज वो दे सकता है. राइट, सो फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे हेल्थी पर्सन को वो फैल सकता है. सो ऐसे डिजीजेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं. ठीक है, दिस डिजीजेस आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक फैल सकता है. फैलने का तरीका क्या होता है, आइदर बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है, एक दूसरे को हम लोग फिजिकली कॉन्टेक्ट जब करेंगे तब फैल सकता है, या फिर एयर के थ्रू फैल सकता है. मैंने चीख मारा, ठीक है, और वहां से ड्रॉपलेट निकला, वो ड्रॉपलेट्स फैल के क्या दूसरे किसी को वो फैला सकते हैं. वाटर के थ्रू फैल सकता है, ठीक है, फूड के थ्रू फैल सकता है. वाटर जो पहले लोग क्या होते थे, पहले लोग दे यूज टू टेक द रिवर वाटर, ठीक है, ये सब यूज करते थे, वहां पे वो वायरस आ गया, वो बैक्टीरिया आ गया, सो इट कैन वो पूरा जो मोहल्ला है उसको वो डिजीज दे सकता है. फूड के थ्रू वो फैल सकता है, ठीक है, फूड के थ्रू भी वो फैल सकता है. जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बात करते हैं मक्खी, हाउस फ्लाई, मक्खी
मक्खी क्या हुआ, मक्खी जो है वो बहुत से ड्रेनेज वगैरह कहीं कहीं से गिर के आया, आने के बाद उसने क्या किया, उसके लेग्स पे उसने क्या किया और उसके बॉडी में उसने क्या किया, वो बैक्टीरिया लेके आया और हम लोगों ने अपने फूड को कवर करके नहीं रखे थे, उस फूड में आके बैठ गई मक्खी, और उस फूड में अभी क्या हुआ, वो बैक्टीरिया उस फूड में फैल गया। फैलने के बाद क्या हो, उसको हम लोग ने गर्म भी नहीं किया और हम लोगों ने वैसे ही खा लिया, खाने के बाद क्या होंगे, अभी वो बैक्टीरिया हम लोग के अंदर है एंड इट गेट्स कॉज डिजीज। इस तरह से फूड में भी वो फैल सकता है ना, ठीक है। सो इस तरह से क्या होता है, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं जो एयर, वाटर, फूड या फिर फिजिकल कॉन्टेक्ट के थ्रू फैल सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। दिस डिजीजेस आर कॉल्ड एज कम्युनिकेबल डिजीजेस, को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। सो नोट डाउन दिस, इसको भी लिख लो। ओके अदिति, ऑल राइट, हो गया, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ेंगे। सो आगे हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनको क्या होते हैं, सो देयर सम इंसेक्ट्स और एनिमल्स व्हिच एक्ट एज अ कैरियर ऑफ डिजीज कॉजिंग, दिस इज डिफरेंट, ओके, डिजीज कॉजिंग, बट डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स कुछ कुछ जो होते हैं वो क्या होते हैं, एज अ कैरियर काम करते। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग बात करते हैं कि मलेरिया एक डिजीज है, मलेरिया आप लोगों ने नाम सुना होगा। क्यों होता है मलेरिया, कोई मुझे बताएगा, यू कैन अनम्यूट करके भी आप बता सकते हो, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हो, मलेरिया क्यों होता है। बासी खाना खाने से, और आई एम टॉकिंग अबाउट मलेरिया माय डियर, मलेरिया क्यों होता है। एनीवन, मच्छर के काटने से होता है, एनोफिलिस मॉस्क्यूटो के कारण होता है। मॉस्किटो के कारण होता है, मॉस्किटो काटने से, बट वो मलेरिया जो है मॉस्किटो कॉज नहीं करता है, मलेरिया कॉज करता है कौन, देयर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। क्या नाम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, प्लाज्मोनियम। प्लाज्मोडियम। नाउ ये जो प्लाज्मोडियम है उसको कौन कैरी कर रहा है, इट इज कैरीड बाय मॉस्किटो, फीमेल एनोफिलिस यस, मॉस्किटो। फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ये वाला। यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो जो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, उसने एक पर्सन को उसने काटा, मॉस्किटो उसने काटा, सपोज सपोज मेरे अंदर मलेरिया था, उसने मुझे काटा, काट के उसने मेरे अंदर से ब्लड लेके गया, जाने के बाद उसने फिर जाके किसी दूसरे इंसान को काट लिया, सपोज उसने ए, ए, क्या बोलते हैं अपने विकास सर को काट लिया,
विकासा के पास लेकिन मलेरिया नहीं था, लेकिन मेरे अंदर से जब काट के गया, मेरे अंदर मेरे ब्लड में तो प्लाज्मोडियम है, वो प्लाज्मोडियम को लेके गया और विकास सर को काटा, और विकास सर को भी अभी उसने क्या क्या प्लाज्मोडियम इंजेक्ट कर दिया, समझ में आया बात, उसने प्लाज्मोडियम विकास सर को भी इंजेक्ट कर दिया, ना विकास सर को भी अभी क्या हो जाएंगे, मलेरिया हो जाएगा, समझ में आया बात, ठीक है। सो इस तरह से क्या होता है, वो फैलता है। सो फीमेल एनोफिलिस बस, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो जो है वो क्या है, वो एक कैरियर है जो लेके जा रहा है किसको, प्लाज्मोडियम को। वो फीमेल एनोफिलिस के वजह से, हम लोग टेक्निकली अगर देखेंगे फीमेल एनोफिलिस के वजह से मलेरिया नहीं हो रहा, मलेरिया हो रहा है प्लाज्मोडियम के वजह से, बट उस प्लाज्मोडियम को कैरी करके कौन लेके जा रहा है, उस प्लाज्मोडियम को कैरी करके लेके जा रहा है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम को कैरी करके लेके जा रहा है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। सो दीज आर कॉल्ड एज कैरियर्स, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैरियर्स बोलते हैं, या फिर उसका और एक काम हम लोग क्या दे सकते हैं, वी कैन कॉल देम एज वेक्टर्स, हम लोग उसको क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं, ठीक है। सो वेक्टर्स या फिर हम लोग उसको बोल सकते हैं क्या, कैरियर। सो दे कैन कॉज हाउस फ्लाई, हम लोगों ने अभी देखा हाउस फ्लाई के केस में, हाउस फ्लाई क्या कहता है, हाउस फ्लाई बहुत सारे गंदे जगह पे भी बैठ के आती है, राइट। हाउस फ्लाई जो है बहुत सारे गंदे नाली में बैठ के आएंगे, जहां पे क्या बोलते हैं, बहुत सारे ऐसे भी जगह से बैठ के आएंगे जैसे मरे हुए डेड ऑर्गेनिजम्स में भी वो बैठ के आते हैं, है ना। सो जब वो बैठ के आते हैं, उसके उसके लेग्स पे, उसके बॉडी पे क्या होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। फिर वो बैठ के आने के बाद हम लोग घर खाना ढक के नहीं रखे, पहले भी मैंने बता चुका हूँ कि उसमें बैठ गई, बैठने के बाद उसने खाने में वो सब जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उसने मिक्स कर दिया, मिक्स करने के बाद अभी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हम लोग के बॉडी के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और नाउ दे दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल कॉज डिजीजेस इन टू अवर बॉडी, हम लोग के बॉडी में वो डिजीज कॉज कर लेगा। सो फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया कॉज करता है, उसी तरह से फीमेल एडेस मॉस्किटो जो है, फीमेल एडेस मॉस्किटो वो क्या कॉज कर सकता है, कौन सा डिजीज, एनीवन, इट कैन कॉज डेंगू। वो क्या कॉज कर सकता है, इट कैन कॉज डेंगू, वो डेंगू कॉज कर सकता है, ठीक है। सो इट कैरीज द डेंगू वायरस, जो डेंगू वायरस है वो फीमेल एडिस मॉस्किटो कैरी करके लेके जाती है, ठीक है। सो जिस तरह से फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो मलेरिया कैरी कर सकता है, उसी तरह से फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या कैरी करके लेके जाता है, डेंगू कैरी करके, डेंगू वायरस कैरी करके लेके जा सकता है, ठीक है। सो ये है कैरियर्स या फिर वैक्टर्स, जो क्या कर सकते हैं, दिस वैक्टर्स और दिस कैरियर्स कैन वट, दे कैन बेसिकली दे कैन कैरी द डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या फिर माइक्रोब्स उसको कैरी करके लेके जा सकता है, और वो हेल्प करता है उसको फैलने में, स्प्रेड करने में हेल्प करता है। प्लाज्मोडियम को स्प्रेड कर रहा है कौन, फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। डेंगू वायरस को स्प्रेड कर रहा है कौन, द फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है। सो ये सभी जो है वो फैलता है बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनिज्म। सो नॉट ओनली एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टेक्ट, ठीक है, और फिजिकल कॉन्टेक्ट, बट ड्यू टू सम ऑफ दिस कैरियर, इस कैरियर्स के वजह से भी क्या होता है, ये जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो फैल सकता है, इट कैन गेट स्प्रेड, वो स्प्रेड हो सकता है या फिर वो फैल सकता है, ठीक है, वो फैल सकता है या फिर वो स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। चलो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं, एंड वी विल स्टॉप द क्लास हियर। इसको नोट डाउन करने के बाद हम लोग यहाँ पे क्लास को खत्म करेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट कि कौन से डिजीजेस होते हैं, कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से कौन से डिजीजेस होते हैं, विल स्टार्ट फ्रॉम देयर, हम लोग वहां से शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास में।